लीगल सिस्टम का टॉपिक है और लॉ ऑफ ट्वेल्व बेसिकली रोम ने बनाया था रोम वो कंट्री था जिसने इस ट्वेल्व टेबल को बनाया इंट्रोडक्शन इसका क्या है इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं द टेबल ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ ऑफ रिटन क्रिएटेड इन एशियन बी सी ट्वेल्थ को इसलिए लिखा गया क्योंकि ये जो ट्वेल्थ टेबल है ये रोम का पहला रिटर्न लॉ है इससे पहले रोम ने कोई लॉ को रिटर्न फॉर्म में नहीं लिखा था और ये ट्वेल्व प्रूस टैबलेट्स की शक्ल में लिखा गया था यानी कि 12 सेट में इसको लिखा और ये लिखा था 451 टू 450 बीसी के सालों में इयर्स ईयर्स रिलेटेड टू क्राइम प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन राइट्स फैमिली मैटर एंड अदर लीगल मैटर्स बेसिकली ये जो साल था इस दौर में बहुत ज्यादा क्राइम्स होना शुरू हो गए प्रॉपर्टी इश्यूज आ गए ह्यूमन राइट्स बहुत ज्यादा वायलेट हो तो रहे फैमिली मैटर्स बहुत ज्यादा बन गए और बहुत सारे लीगल मैटर्स में इश्यूज पड़ रहे थे इसीलिए रोम को उस जमाने में रिटर्न लॉ की जरूरत पड़ गई तो उन्होंने लॉ ऑफ ट्वेल्व टेबल बनाया जो कि रिटर्न लॉ था द लॉ ऑफ द टेबल दॉ द बिगिनिंग ऑफ न्यू अप्रोच टू लॉस विच बी ट्रीटेड इक्वली जो ट्वेल्थ टेबल था ये बेसिकली एक टर्निंग पॉइंट था रोम का क्योंकि इससे पहले रोम को इतनी ज़्यादा लाइक आज़ादी नहीं दी जाती थी रोमन के लोगों को इतनी आज़ादी नहीं मिलती थी हर बंदा डर के रहता था लेकिन ट्वेल्थ टेबल के बनने की वजह से लोगों को एक सुकून मिला क्योंकि लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट किए गए उनकी जानों को प्रोटेक्ट किया गया तो इन ट्वेल्थ टेबल को गवर्नमेंट ने ख़ुद कहा कि हम इसको पास करेंगे हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो इस ट्वेल्थ टेबल के बनने की वजह से क्या हुआ कि सारे लोगों को ट्रीटेड इक्वल यानी कि हर बंदे को इक्वल ट्रीटमेंट दी गई ऐसा नहीं होता था कि गुलामों को ही सबसे ज्यादा सख्त सब सज़ा दी जाए और जो पैसे वाले हैं उनको आज़ादी दी जाए ऐसा कुछ भी नहीं होता था ट्वेल्थ लॉ की वजह से हर बंदे को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो गई थी दिस लॉ ऑफ ट्वेल्थ टेबल्स कंटेन रोम्स फर्स्ट सेट ऑफ लॉज और जो मैंने पहले ही बता दिया था कि ट्वेल्थ टेबल बेसिकली पहला फर्स्ट रिटर्न लॉ है रोम का तो यहाँ पे वही बात लिखी है कि ये फर्स्ट सेट ऑफ रिटर्न लॉ है इससे पहले रोम में किसी किस्म का भी रिटर्न लॉ मौजूद नहीं था जो भी अगर बना भी होगा तो वो रिटर्न नहीं होगा स्कैटर्ड होगा बिखरा होगा कोई कोई भी चीज प्रोटेक्टेड नहीं होगी तो रोम के इस ट्वेल्व लॉ की वजह से पहली दफा पूरी दुनिया को रिटर्न लॉ मिला रीजनस फॉर मेकिंग लॉ ऑफ टेबल्स क्या वजह बनी थी बनाने की इमेजिन वी आर अटिज़न लिविंग इन असाइटी देर इज गन ब लॉस देर आर नॉवेरन यहां पर क्या ये रहें कि आप लोग ख्याल करें इमेजिन करें कि आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो कि चल रही है लॉज के साथ ऐसे लॉज पर चल रही है जो कि लिखे ही नहीं हुए उस हवा में ही चल रही है वो सोसाइटी ये यह बात यहाँ पर लिखी है सपोज आर नेबर ब्रेक्स अ लॉ एंड दी गवर्नमेंट ऑफिशियल हु इज़ इंचार्ज ऑफ इन्फोर्सिंग द लॉस मेक दम पे अ स्मॉल फाइन then we break the same law but the government official tells us to pay a much larger fine than our neighbor we want the government official to treat us and our neighbor the same but since there are no written laws we have no way of showing that the government official made us pay an excessive fine therefore the law of the 12th table was made to provide written laws for the society So that every person or individual can follow orders and rules that are written in laws इन लॉज कहना यहाँ पर यह चाह रहे हैं कि अगर आप ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो कि laws उसमें हैं लेकिन वो laws लिखे नहीं हुए और example भी दिए कि हमारे नेबर से फ़ाइन लिया गया है फिफ्टी थाउजेंड का example दे रही हूँ और हमसे उसी चीज़ पे उसी गलती पे फ़ाइन डबल लिया जा रहा है ठीक है और कोई लॉ ही मौजूद नहीं है ठीक है जो रिटर्न फॉर्म में हो इससे होगा ये कि आपको डबल फाइन देना पड़ रहा है और आप लॉ को प्रूव नहीं कर पा रहे आप कोर्ट में जाके क्या कहोगे रिटर्न लॉ है ही नहीं आपका आपसे उन्होंने डबल फाइन लिए आपके नेबर से कम फाइन लिए एक ही चीज पर ठीक है और लॉ ही मौजूद नहीं है तो इसी वजह से लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ऑफ ट्वेल्व टेबल को बनाना पड़ा ताकि हर बंदे को इक्वली ट्रीट किया जाए कोई किसी से ज्यादा फाइन ना ले और कोई किसी के घर में ना घुसे चोरी ना करे चोरी करने की सजा मिलनी चाहिए मतलब जो हो कुछ भी लॉ के अंदर होता है वो सारा कुछ राइट कर दिया जाए इसलिए ट्वेल्व टेबल बनाना पड़ा क्योंकि ट्वेल्थ टेबल रिटर्न लॉ था जिसमें सब लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया दिस विल प्रोवाइड इक्वालिटी पीस एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी क्या ये रहे हैं कि जब लॉ ऑफ ट्वेल्थ टेबल को राइट कर दिया गया उससे क्या हुआ कि सोसाइटी के अंदर एक इक्वालिटी आ गई एक पीस आ गया सुकून आ गया एक स्टेबिलिटी आ गई क्योंकि लॉ रिटर्न फॉर्म में मौजूद था तो कोई भी बंदा अगर लॉ को वायलेट करता है या लॉ में छेड़छाड़ी करता है या लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलता तो कोर्ट उसको पकड़ सकती है कोर्ट उस पर एक्शन ले सकती है उससे कह सकती है तुम्हें तो देख नहीं रहा कि ये यहाँ पे लॉ ये लिखा हुआ है और तुमने ये हरकत की जो इस लॉ में मौजूद नहीं है ये लिखा हुआ मौजूद है सारी दुनिया को दिख रहा है तुमने वो हरकत क्यों किया है तो कोर्ट उसको सजा दे सकती है तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी इक्वालिटी और पीस आ जाएगा कोई भी बंदा लॉ को वायलेट करने की कोशिश ही नहीं करेगा क्योंकि सबको डर लगेगा कि लॉ द्रिटन तो है अब हमें मोहतात रहना चाहिए अवेयर रहना चाहिए कि हम कोई गलत हरकत ना करें क्योंकि अगर हमने की हम पकड़े जाएंगे क्योंकि लॉ लॉफ तो ब्रिटन है क्रिएशन ऑफ लॉफ टेबल लॉ ऑफ ट्वेल्व टेबल को किसने बनाया ये चीज़ आपको यहाँ लिखी मिलेगी अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ट्रेडिशन का मतलब है पुराने किताबों में और कहानियों में ये बताया जा रहा है कि ट्वेल्व टेबल बना कैसे ऑब्वियसली काफ़ी सारी बातें चेंजड हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्वेल्व टेबल को इस वजह से बनाया गया है कुछ कह रहे हैं कि ट्वेल्व टेबल को इस तरह से बनाया गया बट जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसमें यह लिखा हुआ था कि इन फोर फिफ्टी वन बी सी या खमेरी और फॉलोइंग पब्लिक प्रेशर गिवन दैट टास्क ऑफ कम्फिंग और क्रिएटिंग अ लॉ कोडन रिटन फॉर्म तो मुझे जो हिस्ट्री मिली थी नेट से उसमें यह बताया गया था कि पुराने जमाने यानी कि फोर हंड्रेड फिफ्टी वन साल पहले एक कमेटी जो है बनाई गई थी ठीक है इसलिए बनाई गई थी क्योंकि पब्लिक प्रेशर उस पर आ रहा था कि आप जो है लॉ को बनाएं लाइक उसको राइट करें ठीक है फ्रॉम विच वॉट बेटर रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ दी पीपो इन प्रिपरेशन फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन ऑफ थ्री मैन टू एथेंस वेयर दे स्टडी द लॉज ऑफ सेलिब्रेटेड लॉ गिवर्स बेसिकली जो कमेटी बनाई गई थी जिसका जिक्र सबसे ऊपर हुआ था जो कमेटी बनाई गई थी उस पर प्रेशर आ गया था पब्लिक का पब्लिक चाहती थी, थी कि सारे लॉज को राइट कर दिया जाए तो फिर इस कमेटी ने कुछ लोगों को यानी कि तीन लोगों को एथेंस एथेन इथिन एक कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लॉ लिखा था तो इन तीन लोगों को एथेंस भेज दिया गया ताकि जिन लोगों ने लॉ यहाँ पर लिखा था उस लॉ को वो वापस रोम में लेके आ सकें तो इन्होंने क्या कि एथेंस गए वहाँ से जितनी भी स्टडीड लॉ मौजूद था जो लोगों ने बनाया था उसको अपने पास लेके कर आएँ फिर सैलोन वॉज अ लॉ मेकर सैलोन एक बंदा था जो कि लॉ मेकर था जो लॉ बनाता था ठीक है इसको भी वो अपने साथ ले आए कि हमारे साथ आ जाओ हमारे लिए लॉ लिख के दो ये किया इन्होंने देन लेटर टेन मैन ऑल वर पैट्रिशियंस पैट्रिशियंस वो होते हैं जो कि रॉयल या अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं पहले तो ये हुआ कि पहले तीन लोग गए एथेंस में उसके बाद हुआ ये कि सलोन से वो मिले जो कि लॉ मेकर था उन्हें भी अपने साथ ले आए उसके बाद जो पेटिशनर्स की फैमिली थी जो कि अमीर और वेल्थी फैमिली थी उन्होंने भी क्या किया वो भी एथेंस चले गए और वहाँ पे जाके जितने भी लॉयर्स थे उनको पैसे दिए या जो भी उनसे काम करवाया बस इन्होंने भी अपने आप को इसमें शामिल किया ताकि लॉ बन सके या तो इन्होंने पैसे दिए हैं क्योंकि तफसल मौजूद नहीं थी इंटरनेट पर जो इंटरनेट से मुझे डाटा मिल सका उसमें यही था कि पटिशनर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया लॉ को बनाने के लिए या तो इन्होंने पैसे अपने इन्वेस्ट किए लॉ को बनाने के लिए या तो ये भी एथेंस चले गए थे लॉ सीखने के लिए बस मुझे इतना नहीं पता बस मुझे इतना पता है कि पटिशनर्स ने भी इसमें बहुत पार्टिसिपेशन की ताकि लॉ बन जाए These petitioners were a group of ruling class families in ancient Rome, and they were given consular power and allowed to draw up a list of laws which they considered most needed and useful. Petitioners ka ye role ada hua ki inhone ye kiya ki jo bhi laws inko apne mulk ke liye kaun sa mulk hai Rome, theek hai? जो लॉज इनको अपने, अपने रोम कंट्री के लिए ज़रूरी लगे इन्होंने उस लॉ को उस ट्वेल्थ टेबल के अंदर लिखना शुरू कर दिया ऑल दिस वॉज अ ट्रडिशनल व्यू ऑफ इवेंट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ लॉ ऑफ ट्वेल्व टेबल ये जितना भी मैंने पढ़ा एक ट्रडिशनल इवेंट था यानी कि पुराने वक्त में जो भी बातें हुई थी वो मैंने यहाँ बता दी हैं ठीक है, है? ज्यादा डिटेल नहीं बताई हाफ डिटेल बताई है आफ्टर द प्रोसेस है लॉ ऑफ टेन टेबल्स पहले तो ट्वेल्व टेबल बना ही नहीं था पहले टेन टेबल का लॉ बन चुका था यानी कि टेन सेट्स में लॉ को बना दिया गया था और ये लॉ रिटर्न फॉर्म में मौजूद था एंड टू मोर टेबल्सर एडेडंगयर टू ब्रेंग द टोटल ऑफ ट्वेल्व पहले तो उन्होंने टेन टेबल बनाए फिर उसी उसी के साथ साथ बारह पूरे कर दिए सीक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ ट्वेल्व टेबल अब इसके अंदर वही ट्वेल्व टेबल आ जाएगा जिनको इन लोगों ने बनाया था अब पहले टेबल में इन लोगों ने क्या क्या चीजें ऐड की वो हम पढ़ने लगे हैं इफ अल सम का मतलब है जिसको बुलाया जा रहा हो समन का यहां मीनिंग भी लिखा है ऑर्डर टू ऑर्डर सम वन टू प्रेजेंट इन अ प्लेस ठीक है अगर किसी आदमी को बुलाया जा रहा हो और उसको बुलाने वाला कौन है कोई कोर्ट है मैजिस्ट्रेट है मैजिस्ट्रेट जज को कहते हैं ठीक है मैजिस्ट्रेट कोर्ट का ठीक है किसी बंदे को बुला रहा है तो उस बंदे को जाना ही पड़ेगा ठीक है ये बात टेबल वन में लिखी है कि अगर किसी बंदे को कोर्ट का मैजिस्ट्रेट बुला रहा है तो उसको जाना ही पड़ेगा उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है और अगर वो बंदा नहीं जाता तो उसको जबरदस्ती भी उठा के ले जाया जाएगा कोर्ट में ये बात इसके सेकेंड पॉइंट पर लिखी है टेबल टू में ये लिखा है इफ अ विटनेस फेल टू अपीयर द कोर्ट द मैन हिम मे शाउट बिफोर हिज हाउस एवरी थर्ड डे टेलिंग हिम टू गो अगर जिस इंसान का केस लगा हुआ है ठीक है उसने इस इंसान को कहा कि तुम मेरे विटनेस थे तुम्हें कोर्ट में आना पड़ेगा गवाही देने के लिए ठीक है ने इसको कहा था कोर्ट में आने का बट ये नहीं आया तो इसके पास ये ऑप्शन है कि ये इसके घर के बाहर जाके शाउट कर सकता है कि तुम्हें कोर्ट के कोर्ट में आना था तुम नहीं आए तो टेबल टू ये कह रहा है कि जिसको कोर्ट में आना चाहिए था अगर वो ना आए तो विटनेस को बुलाने के लिए आप उसके घर के बाहर जाके चीख सकते हैं ताकि वो थोड़ा शर्मिंदा और शर्मिंदा के कोर्ट में आ जाए इफ अ थीफ एज अ फ्री मैन ही वॉज फॉग्ड एंड हैव टू रिपे डैमेज फॉर वाट वॉस्ट फ्री मैन का मतलब है जो कैदी ना हो जो मु... जो स्लेव ना हो ठीक है तो उस जमाने में ऑबियसली हम रोम का पुराना ज़माना पढ़ रहे हैं आजकल के दौर में स्लेव और आ, इस तरह की चीज़ें नहीं होती बट उस ज़माने में स्लेव एग्जिस्ट करते थे लोगों को खरीदा जाता था स्लेवस बनाया जाता था ताकि घर के काम कर सकें ठीक है तो उस ज़माने में जो फ्री मैन था आज़ाद इंसान जो स्लेव नहीं होता था जो अमीर घर का था अगर वो इंसान चोरी करता है तो उसको फ्लॉग किया जाएगा यानी कि उसको किसी पीठ सामान विदा वेप और स्टिक एज अ पनिशमेंट फ्लॉग का मतलब है किसी को किसी स्टिक के साथ रस्सी के साथ बेल्ट के साथ मारा जाएगा ठीक है और उस फ्री मैन को मारने के बाद पैसे भी देने पड़ेंगे मिसाल के तौर पर उसने चोरी किया अगले का नुकसान किया है तो उसको वो नुकसान भरना पड़ेगा फ्री मैन को यानी कि आज़ाद इंसान को जो स्लेव ना हो लेकिन अगर किसी स्लेव ने चोरी कर ली है तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा सज़ा मिलेगी उसको क्या सज़ा मिलेगी एक तो उसको फ्लॉक किया जाएगा मारा जाएगा मारने के बाद उसको एक पहाड़ी से फेंक दिया जाएगा पत्थर बांध के एक टर्पेनियन रॉक के साथ उसको बांध दिया जाएगा और कैपीटोलाइन हिल से उसको नीचे धक्का दे दिया जाएगा उस पत्थर के साथ ठीक हो गया ये फर ये चीज़ आपको टेबल टू में मिलेगी टेबल थ्री में यह है इफ एफ समन ओन दे हैव थर्टी डेज टू पे अगर किसी ने आपसे उधार लिया है तो उसको उधार लोन या जो भी लिया है उसको तीस दिन के अंदर वापस दे देना चाहिए अगर उसने तीस दिन में नहीं दिया तो जाहरी बात है अब ये रिटर्न लॉ मौजूद है तो उसको शायद जेल हो जाए या कोई भी सजा मिल सकती है ठीक है तो टेबल थ्री ये कहता है कि तीस दिन तक जिस बंदे ने किसी के पैसे देने हैं तो वो तीस दिन तक दे दे उससे लेट ना करे तो उसको सजा भी मिल सकती है इफ़ दे फेल टू पे इन थर्टी डेज

टेबल फोन ये कह रहा है कि अगर कोई बच्चा ड्रेडफुली एक इस से पैदा हो गया जिसके बाजू नहीं है आंखें नहीं है कान नहीं है मतलब बहुत एबनॉर्मल पैदा हो गया ठीक है तो ऐसे बच्चे को फौरन मार देना चाहिए यह चीज़ हमें टेबल फोर कह रही है इफ अ फादर सोल्ड हिज सन थ्री टाइम्स द सन वुड बी फ्री फ्राम द अथॉरिटी ऑफ हज फादर अगर एक बाप बार बार अपने बच्चे को बेचता है स्लेव की शक्ल में ठीक है अगर तीन बार बेच देता है उसके बाद क्या होगा कि वो सन जो है अपने फादर की अथॉरिटी से आज़ाद हो जाएगा वो फादर दोबारा अपने बच्चे को बेच नहीं सकता फिर वो एक आज़ाद इंसान बन जाएगा उसका सन ऑब्वियसली उस जमाने में स्लेव्स वगैरह बहुत एग्जिस्ट करते थे इसलिए उन्होंने इस तरह की चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी ठीक है अ चाइल्ड बोर्न विद इन टेन मंथ्स ऑफ फादर्स डैथ एंटर इन टू द इनहेरिटेंस यहां पर यह कह रहे हैं कि अगर चाइल्ड पैदा हो जाए विद इन टेन मंथ्स ऑफ फादर डैथ मतलब कि जब फादर फोर्थ हो जाए फादर के फोर्थ होने के दस मंथ बाद अगर बच्चा पैदा हो जाए तो फादर की प्रॉपर्टी इस बच्चे को मिल जाएगी अब टेबल फाइव आ जाता है टेबल फाइव में क्या लिखा है अ फीमेल हैड टू रिमेन अंडर द गार्डियन ऑफ अ मैन इवन इफ शी हैड अटेन एज ऑफ मेच्योरिटी ऑब्वियसली एक औरत किसी भी एज में सिक्योर नहीं होती रेप केसेस होते हैं और भी तरह तरह के इशूज हो जाते हैं तो रोमन लॉ के फिफ्थ टेबल में यह बताया जा रहा है कि जो फीमेल है बेशक वो एज ऑफ मेच्योरिटी हासिल कर ले एटीन की हो जाए या जितनी भी बड़ी हो जाए उसको किसी मेल के अंडर ही रहना पड़ेगा या तो उसको, उसको अपने फादर के अंदर रहना पड़ेगा या तो उसको उसको अपने भाई के साथ रहना पड़ेगा या हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा कोई मेल हो जो एक हेड की तरह उसके साथ हो ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे इफ यू गो इंसैन पागल इंसैन को कहते हैं मेंटली डिसेबल या पागल हो जाए कोई इंसान तो नियरस्ट मेल रिलेटिव शल टेक योर प्रॉपर्टी तो फिफ्थ टेबल ये कह रहा है कि अगर कोई इंसान पागल हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी को तो एक मर्द रिलेटिव ले सकता है जो कि उसके सबसे करीबी रिलेटिव हो टेबल सिक्स में ये लिखा है फॉर अ सेल ऑफ लैंड अ फॉर्मल एग्रीमेंट वॉज रिक्वर्ड विच वर्बल बेसिकली लोग उस जमाने में प्रॉपर्टी के लेन देन करते थे ठीक है और प्रॉपर्टी के जब भी कोई भी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट उस जमाने में एग्जिस्ट नहीं करते थे लॉस भी उस तरह से रिटर्न नहीं था तो बेसिकली टेबल सिक्स ये कह रहा है कि जिस भी बंदे को अपनी लैंड सेल करनी है या खरीदनी है उसको ये करना है कि एक एग्रीमेंट लाजमी करना पड़ेगा और जब तक वो एग्रीमेंट नहीं करेगा तब तक यही समझा जाएगा कि उसने ना तो वो ज़मीन बेची है ना वो खरीदी है ठीक है वंस मेड इट वॉज लीगली बाइंडिंग और यहाँ पर ये सेकेंड पॉइंट में ये लिखा है कि एक दफ़ा एग्रीमेंट हो जाए मिसाल के तौर पर किसी ने सेल करनी है अपनी कोई चीज़ या बाय करनी है कोई चीज़ बेचनी है या खरीदनी है तो दोनों सिचुएशन में अगर वो एक दफ़ा भी एग्रीमेंट कर ले एग्रीमेंट पे साइन कर ले तो वो एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग होगा उसको वो तोड़ नहीं सकेगा अगर वो तोड़, तोड़ेगा तो उसको जेल हो जाएगी बात आपको टेबल सिक्स में लिखी मिलेगी टेबल सेवन में ये है, be और जो बिल्डिंग्स में, में बनेंगी या मैं बिल्डिंग्स बना रही हूँ इनके बीच जो है हाफ फीट जैसे उन्होंने बताया कि हाफ फीट का फासला रखना है ठीक है ये उन्होंने लिख के इसलिए बता दिया शायद कोई इशू होगा हो बिल्डिंग जुड़ गई होंगी इसलिए उन्होंने टेबल सेवन में यह बता दिया कि जब भी बिल्डिंग्स बनाए उसमें टू एंड अ हाफ डिस्टेंस रखें दूसरा पॉइंट ये बताया टेबल सेवन में अ डिस्टेंस ऑफ फाइव फीट वाज़ टू बी लेफ्ट बिटवीन द फील्ड्स और जो फील्ड्स होंगी लोगों की जो खेत होंगे उनके बीच भी आपस में फाइव फीट का फासला होना चाहिए ठीक है उसके अलावा द मेंटेनेंस ऑफ रोड्स वाज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दो प्रॉपर्टी दोड मतलब जिन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई है उन रोड्स की ठीक है और वो रोड जो है टूट जाते हैं वहां से गाड़ियां गुजरती हैं तो जिन्होंने उन प्रॉपर्टी को खरीदा हुआ है जो उन प्रॉपर्टी के ओनर है वही इंचार्ज है उस प्रॉपर्टी को ठीक उस टूटी हुई रोड को ठीक करने क्योंकि उन्हीं की तो वो रोड है टेबल एट आ जाता है इफ एन एनिमल कॉज डैमेज इट्स ओनर वॉज टू पे द कॉस्ट और स्टैंडर्ड टू इट्स इंजरी जिसके एनिमल ने मिसाल के तौर तो पे किसी का डॉग है या किसी ने कोई भी एनिमल रखा है तो उसके एनिमल ने किसी को अगर नुकसान पहुंचाया किसी की फील्ड खराब कर दिया फील्ड का मतलब है किसी का खेत खराब कर दिया है किसी के जानवर ने तो उसके ओनर को पे करना पड़ेगा उस बंदे को अगर वो पे नहीं कर सकता तो या अगर उसने फील्ड खराब कर दिया है किसी का खेत खराब कर दिया है वो पे नहीं कर सक रहा तो वो खुद जाके उस फील्ड में दोबारा से पौधे उगाए किसी ना किसी शक्ल में सुरेंडर करे यानी कि कोई काम कर दे उनका जाके अगर पैसे नहीं दे सकता ठीक है ये बात यहाँ एट में लिखी है पेनल्टी फॉर स्टीलिंग क्रॉप वॉज द सेम बट द पर्सन वॉज ऑल्सो हंग आफ्टर वर्ड्स एज अ सेक्रीफाइस टू सियर अच्छा यहां पे ये लिखा है पेनल्टी का मतलब है पनिशमेंट पनिशमेंट किस बात की स्टीलिंग क्रॉप्स अगर खेतों से कोई फसलें चोरी कर रहा है उसको पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी साथ में उसको हंग कर दिया जाएगा टांग दिया जाएगा उसको फांसी भी दे दी जाएगी जो किसी बंदे की क्रॉप्स को खेत से फसलों को चोरी करेगा उसको पनिशमेंट के साथ साथ उसको फांसी भी दे दी जाएगी ये चीज़ टेबल एड में लिखी है इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्यों पनिशमेंट्स रखी है ताकि लोग चोरी ना करें बाज आ जाए इट वॉज फॉर बेडन टू हैव अ विच कास्ट स्पेल समी वॉज डेथ और उस जमाने में बहुत लोग जादू करते थे विच क्राफ्ट करते विच क्राफ्ट का मतलब है जादू करना कालू, काला जादू करना तो जो टेबल एट है वो लोगों को रोक रहा है काला जादू कराने से और जो भी बंदा काला जादू करवाएगा विच क्राफ्ट करते विच क्राफ्ट करवाएगा उसको डेथ की सजा मिल जाएगी उसको फौरन मार दिया जाएगा टेबल नाइन में ये लिखा है कि एवरी वन वाज इक्वल बिफोर द लॉ रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस क्या ये रहें कि टेबल नाइन ये कह रहा है कि लॉ के आगे सारे लोग इक्वल हैं चाहे वो चाहे उसका जो भी स्टेटस हो चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता लॉ के लिए सारे बराबर हैं द लॉ अप्लाई टू ऑल पीपल ऑफ कंट्री साइड एंड सिटी साइड और जो कंट्री साइड है जो गांव के लोग हैं और जो सिटी में शहर में रहते हैं इन दोनों के लिए लॉ बराबर है अ जज फाउंड गिल्टी ऑफ टेकिंग अ ब्राइब वॉज पुट टू डेथ ब्राइब का मतलब अगर कोई जज जो है कोई रिश्वत लेता है ठीक है और रिश्वत लेके कोई केस करता है और वो पकड़ा जाता है इस बात से कि उसने रिश्वत ली है तो उसको फौरन डेथ दे दी जाएगी यानी कि उसको मार दिया जाएगा उस जज को जो कि ब्राइब लेता है यानी कि रिश्वत लेता है टेबल टेन में ये बताया जाए कि नो बर, बुरियल्स और स, वर अलाउड विद इन नोरियल वॉल्स यहाँ पर लिखा है बुरियल्स का मतलब है बर्निंग एंड डिस्पोजल ऑफ डेड पर्सन बॉडी बाय बर्निंग कह रहे हैं कि आप सिटी के बिल्कुल करीब जाके किसी की बॉडी को किसी की बॉडी को नहीं जला सकते ठीक है ये बात आपको सेक्शन एट में लिखी मिली है कि आप सिटी के करीब जाके लोगों की, की बॉडीज को नहीं जला सकते थोड़ा दूर होकर जलाएं ताकि उनकी जो धुआं है बॉडी के जलने के बाद वो शहर में ना फैले वुमेन कोड नॉट स्क्रैच देयर चीक्स और स्क्रीम येल इन दी मॉर्निंग ऑफ डेथ यानी कि सुबह के, के वक्त औरतें अपने चेहरे को स्क्रैच नहीं कर सकती चेहरे को स्क्रैच करने का मतलब है नाखून मारना चेहरे पे ठीक है और ना ही औरतें सुबह के वक्त चीख सकती हैं अगर किसी की डेथ हो जाए उनके घर में साथ में आप फोनर प्रोसेशन मस्ट बी अम्पनीड बाई नो मोर देन टेन फ्लूट प्लेयर्स ऑब्वियसली उनके कल्चर में रोम के कल्चर में फ्लूट प्लेयर्स आते हैं अगर किसी की डेथ हो जाए तो उन्होंने ये कहा है फ्लूट प्लेयर्स का मतलब है जो फ्लूट बजाने वाले ठीक है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बजाते हैं लोग तो फ्लूट बजाने के लिए कहते हैं कि सिर्फ दस लोग ही आ सकते हैं इससे ज्यादा लोग किसी की डेथ में नहीं आ सकते ये कौन लोग हैं जो फ्लूट बजाएंगे किसी की डेथ सेरोमोनी में

बॉडी पे इतने ज़्यादा गोल्ड होगे तो ज़ाहरी बात है आपकी डेड बॉडी कैसे प्रोटेक्टेड रहेगी आप उसको दफना दोगे जिस बंदे को ज्वलरी की लालचोगे उस डेड बॉडी को भी दोबारा से खोद के उसकी गोल्ड निकाल लेगा गोल्ड चोरी कर लेगा उससे इसलिए इस इस तरह की उन्होंने रुकावटें डाली हुई हैं चीज़ों को मना किया हुआ कि अब ये ये चीज़ें ना करें डेड बॉडी के साथ टेबल एलेवन आ गया जिसमें मैरिज को डील करता है कि मैरिज बिटवीन पेट्रियस एंड फ्लैबियंस पेट्रियंस जो है वो अपर क्लास है अमीर लोग हैं और पेबलियंस जो है किसान की फैमिली है गरीब लोग हैं तो यहां पे ये कह रहे हैं कि टेबल इलेवन कह रहा है कि पैट्रियंस और पेबलियंस के आपस में शादी नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे के स्टैंडर्ड मैच नहीं करता ट्वेल्व टेबल आ गया आखिरी वाला रिसेंट लॉ और कोर्ट रूलिंग ऑन अ सब्जेक्ट ओवर रूल्ड एंड ओवर ओल्ड लॉ यहां पर यह कह रहे हैं कि अगर ऑलरेडी कोई लॉ आ चुका है उसको दूसरा लॉ चेंज कर सकता है ये बात आपको ट्वेल्व में लिखी मिलेगी अब आ गया ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ ट्वेल्व टेबल The 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 original text of Table 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 has not preserved. was was probably destroyed when Rome was defeated and burned by the Basically, table वो original हालत में मौजूद नहीं था क्योंकि जब रोम ने Twelve Table को बना लिया तो उसके कुछ वक्त बाद ग्लोन के कंट्री वालों लोगों ने रोम पे हमला कर दिया और उस हमले की वजह से रोम का जो ट्वेल्थ टेबल है वो ओरिजिनल हालत में प्रोटेक्टेड नहीं है तो जो चीजें लोगों के हाथ में आई थी ट्वेल्व टेबल की वो उन्होंने लिख दी हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी इस वीडियो में लेकिन जो ओरिजिनल ट्वेल्व टेबल है वो अभी भी प्रिजर्व सिक्योर्ड नहीं है उतना क्योंकि उस दौरान ग्लोन्स ने हमला कर दिया था रोम पे और रोम को डिफीट कर दिया हरा दिया अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न टाइम सम पोर्स पार्ट ऑफ द टेबल्स विच डिड नॉट रिमेन और रिप्रेजेंट्स दैट इट इज नॉट अ प्रॉपर लॉ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इन द मॉडर्न टाइम्स बेसिकली जो पार्ट हमें रोम बेसिकली जो पार्ट गुम चुका है हमारे हाथों से और हमारे तक नहीं पहुंच सका ट्वेल्थ टेबल के कुछ पार्ट्स वो इसलिए भी शायद नहीं पहुंच सके क्योंकि उस ट्वेल्थ टेबल के कुछ चीज़ें हमारे साथ मैच ही नहीं कर रही थी अब जैसे मैंने आपको आज बताया कि हम लोग हमारा अभी स्लेव्स का सिस्टम खत्म हो चुका है राइट तो वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आज के जनरेशन में नहीं यूज हो सकती वो लॉ तो शायद उस वजह से वो ट्वेल्थ टेबल के कुछ पार्ट्स अभी भी लोगों ने उसको स्क्योर रखना प्रोटेक्ट रखना समझा ही नहीं था और जिन पार्ट्स को प्रोटेक्ट रख दिया गया तो वही हम तक पहुंची है क्योंकि उन लोगों को लगा होगा कि ये जो अभी जितना भी हम ट्वेल्थ टेबल पढ़ चुके हैं शायद उन लोगों को लगा होगा कि यही चीज आगे लोगों के काम आएगी तो उन्होंने सिर्फ इसी को सिक्योर किया हो तो ये वजह भी हो सकती है क्योंकि ऑब्वियसली किसी को रीजन नहीं पता कि क्यों नहीं सिक्योर हुआ नाइन्टी लोग तो कह रहे हैं कि गलों ने हमला कर दिया जिसकी वजह से ट्वेल्थ टेबल प्रोटेक्टेड नहीं हुआ लेकिन बहुत सारी और भी रीजन हो सकती हैं शायद अपकमिंग लोगों ने सोचा हो अपकमिंग रोम के लोगों ने सोचा हो कि ये ये चीजें आगे काम नहीं आएंगी लोगों के तो उन्होंने सिर्फ लिमिटेड ट्वेल्थ टेबल के टॉपिक्स हम तक हो बहुत सारे रीजंस हो सकती है तो यहाँ पे मैंने एक रीजंस लिख दी हैं कि शायद कुछ ट्वेल्व टेबल इसलिए मिसप्लेस हो गया है कि वो प्रॉपर लॉ ना हो हमारे हमारे लिए ना अच्छा लॉ हो उनके लोगों के लिए शायद प्रॉपर आज के दौर के लिए बिल्कुल भी प्रॉपर लॉ ना हो मतलब अच्छा ना हो हमारे लिए हम कहेंगे ये क्या पढ़े हम अजीब सा लॉ लिखा हुआ है इसलिए शायद उन लोगों ने उसको उसी जमाने में ही गायब कर दिया हो तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं ट फीचर्स ऑफ लॉवल्व टेबल्स की सिलियन फीचर्स का फीचर का मतलब है क्वालिटीज क्या है ट्वेल्व टेबल्स की सिलियंट फीचर्स ये हैं कि रोमन लीगल सिस्टम इज दैट इट वॉज डिजाइन टू रिजो दिस प्यूड इन मैंबर्स अब ये कह रहे हैं कि रोमन लॉ ट्वेबल को इसलिए बनाया कि इसकी ये खूबी है कि ये लोगों के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं यानी कि जो भी लोगों की लड़ाई लगी होती है उसको रोम में तो ये ट्वेल्थ टेबल ही उस मसले को हल कराता है किसी तरह से किस अगर किसी का कि कॉन्ट्रैक्ट कि 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 का मसला बनाया तो ट्वेल्व टेबल की वजह से हल लोगों क्योंकि ट्वेल्व टेबल ने लोगों के कॉन्ट्रैक्ट करने का कहा है और जो नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी तो एक तरह से इस ट्वेल्थ टेबल ने बहुत सारे डिस्प्यूट्स को मसलों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया बिटवीन मेम्बर्स ऑफ रोमन एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो अमीर और

तो इस वजह से बहुत सारे लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट हो गए और बहुत सारे लोग जुर्म करने से पहले चोरी करने से पहले सौ सो दफ़ा सोचते थे कि उनको डेथ भी मिल सकती है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ लॉफ टेबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है कि लॉ ऑफ टेबल फर्स्ट रिटन लॉ दट वॉज मेड बाई रोम एंड फ्रॉम ट्वेल्व टेबल न्यू लॉ वॉज टेकल पेज ए फोर रोम अभी जो ट्वेल्व टेबल था इसी की वजह से पाकिस्तान के अंदर लॉ आया रिटन फॉर्म में इंडिया में लॉ आ रिटन फॉर्म में और जिस भी कंट्री में रिटन फॉर्म में लॉ आया है वो इस ट्वेल्व टेबल की वजह से है क्योंकि ट्वेल्व टेबल रोम का पहला रिटन लॉ है जिसने पूरी दुनिया को हेल्प आउट की सिर्फ रोम को हेल्प नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया को हेल्प क्योंकि हमारे पास भी जो भी लॉ आया है वो रोम की वजह से भी आया है ठीक है और भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और भी कंट्रीज की वजह से बिलॉन्ग मिला है बट रोम का ये ट्वेल्व टेबल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है क्योंकि इसकी वजह से हमारे तक रिटर्न फॉर्म में लॉ बना है कंक्लूजन में ये लिखा है कि लॉ ऑफ ट्वेल्व टेबल प्रोवाइड्स एन अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम कॉन्सेप्ट सच एज इक्वालिटी अर्ली का मतलब ये है कि हमें ये हमें ट्वेल्थ टेबल से ये पता चल रहा है कि पुराने वक्त में भी इक्वालिटी होती थी माशरे में जस्टिस भी होती थी पनिशमेंट्स भी दी जाती थी और ओनरशिप के काम भी होते थे यानी कि प्रॉपर्टी के लेन देन सेल परचेज के भी काम उस ज़माने में भी होते थे फर्दर मोर दिस ट्वेल्थ टेबल प्रोवाइड सोशल प्रोटेक्शन सिविल राइट्स फॉर बोथ पेट्रीशनस एंड प्लेनियंस यहाँ पर यह कह रहे हैं कि अमीर लोगों को भी और गरीब लोगों को ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती थी लोगों इन, इन दोनों के राइट्स भी प्रोटेक्ट किए जाते थे तो बेसिकली ओवरऑल ट्वेल्थ टेबल की वजह से सब लोगों को रोम में भी फायदा पहुंचा इवन आने वाले वक्त में जो दूसरी कंट्रीज बने थे उनको भी इस ट्वेल्थ टेबल की वजह से बहुत ज्यादा फायदा मिला क्योंकि आज जितना भी हम ब्रिटेन लॉ पढ़ते हैं वो इस ट्वेल्थ टेबल की वजह से ही पढ़ते हैं